जहां जहां जिद आपने देखी होगी वहां वहां परिणाम बुरा देखा होगा। मैं इतिहास की जिदें बता रहा हूं आप लोगों को, जो आप लोग ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, आपके बच्चे महाराज जी बेटा बड़ा जिद्दी है, ये जिद्दी सर्वनाश की तरफ ले जाएगी। जिद मत, ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा। मैं कोई इच्छा नहीं करता, जो भगवान चाहे, भगवान आपकी इच्छा है ऐसे ऐसे, आप चाहेंगे ऐसे हम ठीक हैं, ऐसे जैसा मन आपका हो वैसे हम कर लेंगे। 56 भोग दो तो 56 भोग खा लेंगे, नमक रोटी दो तो नमक रोटी खा लेंगे, पलंग दो तो पलंग में सो जाएंगे, जमीन दो तो जमीन में सो जाएंगे, अमीरी दो तो अमीरी में रह लें, गरीबी दो तो गरीबी में रह लें, सम्मान दिलाओ तो सम्मान ले लें, अपमान दिलाओ तो अपमान ले लें, कोई बात नहीं। हर परिस्थिति में सम रहो, हर स्थिति में सम रहो, ईश्वर की कृपा का अनुभव हर परिस्थिति में करो। मेरे हिसाब से मेरी परिस्थिति अनुकूल होगी तो मैं धन्यवाद दूंगा ईश्वर को, बिगड़ जाएगी तो गालियां देने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक मैया बोली, हे भगवान मेरे बहू के बेटा हो गया तो लड्डू चढ़ाऊंगी, अब बेटा नहीं हुआ बेटी हो गई। तो मैया आई, महाराज हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब बिल्कुल नहीं मानते। क्यों? बहू के बेटा मांगा था, लड्डू भी बदे थे, नहीं दिया भगवान ने, अब लड्डू के बदले बेटा चाहती है। ऐसा लग रहा है कि इनके सिवा भगवान को कोई लड्डू तो कभी खवाते ही नहीं होगा, भगवान तो कभी लड्डू खाए ही नहीं होंगे, तुम खवाओगी तो खाएंगे। यदि भगवान यदि आपकी हर बात सुनते ना, तो हमारी माता तो ये तक कहती, आज मैं थक गई हूं भगवान, जरा झाड़ू तुम लगा दो, आज झाड़ू लगवाती भगवान से। इसलिए भगवान कठिनता से मिलते हैं, जल्दी भगवान क्यों नहीं मिलते, क्योंकि जो चीज जल्दी मिल जाती है ना उसकी कीमत नहीं होती। कोई आदमी बिल्कुल मेहनत ना करे और करोड़पति बन जाए तो उसे पैसे की कोई वैल्यू नहीं होगी, और कोई मेहनत करके आदमी नीचे से ऊपर गया, वो मेहनत किया है, जो बड़ी दो दो रोटी के लिए कभी भूखा भी सोया होगा, उससे पूछो कि 2 रुपए की वैल्यू क्या है, वो बताएगा कि 2 रुपए की कीमत क्या है। तो मेहनत का पैसा ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है, बेईमानी से पैसा उसकी वैल्यू नहीं होती। उसी तरह भगवान, इसलिए भगवान के लिए तप करना पड़ता है, तप करने के बाद जब भगवान मिलते हैं ना तो भगवान की कीमत होती है, वरना आदमी तो भगवान को यूं ही समझ लेता है हल्का फुल्का। इसलिए भगवान के लिए तप करना पड़ता है, सस्ते में भगवान मिल जाए तुम्हें तो तुम नौकर बना के रखोगे।